नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछु माधुरी प्रथमे हेडलाइंस राज्य में पुणि अणस्तरी जीवन नेला महामारी कटक और जगत सिंहपुर 13 जन लेखाएं आक्रांतों मृत्यु सेपटे 24 घंटा 853 नुआ पॉजिटिव केस 18 वर्ष कम वयस्कों मध्य 100 आक्रांत चिन्हट परलोक यूपी पूर्वतन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह 99 वर्ष बयस लखनऊ में चिकित्साधीन अवस्था देहांत शोक व्यक्त कले प्रधानमंत्री गृहमंत्री समेत बहु विशिष्ट व्यक्ति तीन दिनिया राजकीय शोक घोषणा कले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आसंता शेषकृत्य आज पवित्र राखी पूर्णिमा सह श्री बलभद्र जन्मोत्सव श्रीमंदिर में स्वतंत्र नीति निर्घंट बड़ भाई और श्रीजगन्नाथ को राखी बांधे भूणी सुभद्रा पाटरा विषयी सेवकों द्वारा प्रस्तुत हो स्वतंत्र राखी आज पवित्र राखी पूर्णिमा चर्चा कोटपाड़ धानू प्रस्तुत राखी धान को नहीं शिल्पी कला चतुरी विभिन्न प्राकृतिक जिनस राखी में कोटपाड़ आशा नायक आकर्षण उपहार राजधानी में कायम लाउछि डेंगू 24 घंटे 52 जन डेंगू रोगी चिन्हट बस्ती पर कलोनी में भी डेंगू डर कोरोना पर डेंगू को नहीं बढ़ला चिंता तालिबान प्रसंगे यूटर्न नेला यूके दरकार पड़े तालिबान सह मिसे काम करने को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को घोषणा तालिबान को स्वीकृति न देवा किछि दिन तले घोषणा करते बोरिस बोरिस यूटर्न को समालोचना कले निज दल सांसद पुलिस सुरक्षा मागिले भद्रक मिर्जापुर कृष्णाराणी परिवार कहले एबेबी जड़े अभियुक्त को धरनी पुलिस अभियुक्तों संपर्क नहीं प्रश्न फेर में भद्रक एसपी चरण सिंह मिन्नाड को आसंता 24 और 25 तारीख में प्रबल वर्षा संभावना 19 जिला को येलो वार्निंग जारी कला आंचलिक पानीपाग केन्द्र जिलापा सतर्क रहा एसआरसी परामर्श आज संपूर्ण खबर को राज्य में किछि दिन कोरोना आक्रांतों संख्या कमी बेले मृत्यु संख्यार सामान्य ह्रास पाई गत 24 घंटा मध्य 853 जन कोविड आक्रांत चिन्हट होता बेले 69 जन कोरोना आक्रांत प्राण हर मिसाई राज्य में मोट कोरोना जनित मृत्यु संख्या 7358 को वृद्धि पाई मृतकों मध्य कटक और जगत सिंहपुर जिलूर 13 जन लेखाएं रही ढेंकानाल जिलूर 11 अनुगुल और केन्द्रापड़ा जिलूर 8 जन लेखाएं रही बेले जाजपुर जिलूर 5 रही राज्य में एबेबी 9302 आक्टिव केस रही गत 24 घंटे 853 संक्रमित चिन्हट अंपटे शिशु क्षेत्र में बढ़ुच्ची कोरोना एवं 18 वर्ष कम वर्ग में 100 जन संक्रमित चिन्हट होती विशेषकर आज जो रिपोर्ट आसुच्छे क्वारंटाइन 496 जन रही किंतु ये सबू भितर मृतकों संख्या चिंता बढ़ाऊ राज्य में प्रत्येक दिन 60 पार कर मृतकों संख्या जहाँकि चिंतार विषय पलटि अंपटे आगक तृतीय लहर आशंका कराकि शिशु मान क्षेत्र में घातक साजिपे विशेषज्ञों मत एसबू भितर किमको सुरक्षा करने को पड़ो सुरक्षित रहाक पड़ कि सचेतनता अवलंबन करने को पड़ो से समस्त नजर रखिंट अंपटे सबुठ बड़ कथ आसुच्छे शिशुं क्षेत्र में वैक्सीनेशन कथा कहु वैक्सीनेशन किभली से गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग सामना को आसुच्छे किंतु आज राज्य मोट 24 घंटे 853 कोरोना संक्रमित चिन्हट होती राज्य में 69 जन कोरोना आक्रांतों मृत्यु हो सबुठू अधिक आज जो रिपोर्ट आसुच्छे सबुठू अधिक आज कोरोना मृत्यु संख्या पखापाखि जो कथ कह 7358 को वृद्धि पाई कि सबुठू अधिक मृतक रही कटक प्रत्येक दिन मृतकों संख्या बढ़ी चली खोर्धार संक्रमितों संख्या जदिव बढ़ुच्छे किंतु कटक मृतकों संख्या लगातार भाव बढ़ी चली आज परवर्त खबर को कल्याण सिंह अन्य राजनेता अनेक गुण में भिन्न थे आपण मैने राजनीति क्षेत्र में अनेक राजनैतिक नेता देखिथे साधारण भाव राजनेता ध्येय प्रतिबद्धतार अभाव थाए
ସେମାନେ ଯାହା କହିଥାନ୍ତି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ସେତେ ତତ୍ପର ଦେଖାଯାଇନଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ଥାଇପାରେ, ହେଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣ ସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଅଯୋଧ୍ୟାଠାରେ ରାମଲଲାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଧ୍ୟେୟ ଥିଲା। ସେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ। କୌଣସି ଦେଶ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଜିତିବା ପରେ ସେମାନେ ସେହି ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଓ ତା ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ନିଜର ପ୍ରତୀକ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଏସିଆରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବାବରର ସେନା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଏହା ହିଁ କରିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ଯାହା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ତାକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ବାବର ନାମରେ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ଛିଡ଼ା କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ବିଦେଶୀ ଦାସତ୍ୱର ଏହି ପ୍ରତୀକ ସେଠାରେ ରହିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଏହି ଦାସତ୍ୱର ପ୍ରତୀକକୁ ହଟାଇବାକୁ ଦେଶରେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବାବରି ଢାଞ୍ଚାକୁ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ କାଳରେ 1992 ଡିସେମ୍ବର 6ରେ ବିବାଦୀୟ ବାବରି ଢାଞ୍ଚା ଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ କର ସେବକମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଓ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ହେଲେ ଇତିହାସ ତାଙ୍କର ନାମ ଏକ ଏପରି ରାଜନେତା ଭାବେ ଲେଖିବା ଯାହା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ନୁହେଁ ବରଂ ଧ୍ୟେୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା। किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो मेरे खिलाफ चलाओ, किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर तुम इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ चलाओ। और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देगा कि मुझे तो अधिकारियों ने तो आदेशों का प्रपालन किया है। और मैं इस बात के एक एक बिंदु का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूं कि मैंने अथवा मेरे साथियों ने, मेरे सहयोगियों ने या मेरी सरकार ने कहीं किसी प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया, नहीं हुआ है। क्या मैं गोली चला देता? एनआईसी की मीटिंग में मैंने स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृहमंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए, आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन चंदन साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କଲ୍ୟାଣ ସିଂଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଯିବେ ପିଏମ୍। ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଯିବେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କଲ୍ୟାଣ ସିଂଙ୍କର ପରଲୋକ ଶନିବାର ରାତିରେ 99 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌସ୍ଥିତ ଏସ୍ଜିପିଜିଆଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ଏହି ବର୍ଷିଆନ ନେତା ଦୁଇଥର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଆନ୍ଦୋଳନର ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ନେତା ଥିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଥିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି।
आगू जारी रहिबो खबर अभियान समय हिचे एक छोटा ब्रेक। ब्रेक परे स्वागत। राजधानी रे बेकाबू डेंगू, भुवनेश्वर धीरे धीरे कायम लाउछे डेंगू, बढ़ुछे डेंगू रोगी का संख्या। विभिन्न बस्ती अंचल डेंगू आक्रांत चिन्हट होगा पर कॉलोनी भी व्यापी कला। गत 24 घंटे भुवनेश्वर मोट 52 जन डेंगू रोगी चिन्हट होते, फल भुवनेश्वर मोट डेंगू रोगी संख्या 1622 को वृद्धि पाई। एवं सुधा 1153 जन डेंगू रोगी सुस्थ होती, आउ एक्टिव केस 519 रही। विभिन्न स्थान में बीएमसी पक्षर मशार लार्भा को नष्ट। गत 24 घंटे सचेतनता और सफे कार्यक्रम को व्यापक कर 23901 घर मोट 1,3652 जन तथ्य संग्रह कर 60,274 संभाव्य मशा वृद्धि स्थान को हटावा सह 62,098 स्थान मशार लार्भा को चिन्हट कर नष्ट बीएमसी पक्षर सूचना दी जाए। जन्म माटी रे मेडल विजेता, टोकियो ओलंपिक्स रे कमाल देखाई घर को फेरी सुंदरगढ़ चारि हॉकी खिलाड़ी। बाजा बजाई बाण फुटाई खिलाड़ी को पारंपरिक ढंग से स्वागत करा जायतिला। भारतीय पुरुष हॉकी दलर वीरेन्द्र लाक्रा और अमित रोहित दास तथा महिला हॉकी दलर दीप्क्रेश एक्का और नमिता टप्पो घर को बाहुड़ी। जिला प्रशासन और सुंदरगढ़वासी पक्षर से भव्य स्वागत करा। ओलंपिक्स खेलिबा परे चारि खिलाड़ी प्रथम सुंदरगढ़ गस्त थिबारु थिला उत्साहर माहौल। हॉकी प्रेमी और सहरवासी खिलाड़ी को भव्य स्वागत करिथिले। सेपटे आज भारतीय हॉकी दलर तारका अमित रोहित दास निज गाँ को फेरिबे। पद्मश्री दिलीप तिर्की उपस्थित रे अमित को स्वागत जणाइबे ग्रामवासी। आगू रही किसी गुरुत्वपूर्ण खबर नजर पकाइबा किंतु छोट ब्रेक पर। ब्रेक पर स्वागत। कटक देखा मिली नियारा राखी पूर्णिमार माहौल। नोट ईयर्स फाउंडेशन रक्षाबंधन पालन, संघर कर्मकर्ता माने ट्राफिक पुलिस को राखी बांधुवा देखा मिली। ए बाबद अधिक सूचना पाई आम सीधासख नहीं जाऊँ कटक। सेठे अच्छे आम रिपोर्टर विश्वजित। विश्वजित, आपंक तो प्रथम पवित्र राखी पूर्णिमार अनेक अनेक शुभेच्छा और चलित बर्ष किभली पालन कराठे राखी पूर्णिमा। देखते आज हूँ स्नेह ममता और बंधन पर्व राखी पूर्णिमा। प्रथम जो मैंने अच्छा भाई भाई मान समे को शुभेच्छा जनईबि आज जानते हैं जो राखी पूर्णिमा रही भाई भाई संपर्क को लेकिन गोटे बंधन थाए। आपत देखुले जो पिला अच्छा नोट ईयर्स फाउंडेसन पिला निर ढंग से आज राखी पाड़ी कारण आप जानते साधारण भाई भौणी मैंने घर रहीकि राखी पाड़ी था कि गोटे निरा प्रयास करते जो मैंने कार्यरत ड्यूटी अच्छा ट्राफिक पुलिस हूँ पुलिस कर्मचारी हूँ से किभली राखी बांधे कारण आप जानते हैं जेहतु आज सटडाउन रही कटक सहर से ड्यूटी सकल आखी बांधि पारे पर सहित से गोटे नुआ प्रयास कर जो मैंने ट्राफिक ड्यूटी अच्छा जो मैंने पुलिस कर्मचारी ड्यूटी अच्छा जेहेतु से सका पलि आसर बाहर की राखी बांधि पारिना से किभ राखी बांधे और राखी की किभली पालन करणी हिसाब से राखी बांधुँ ये होती तरह सीधा सड़क दृश्य देखिपे राखी बांधुँ मिठा खुआ दृश्य देखिपे ये कटक लिंग रोड दृश्य जो ट्राफिक भाई मैंने अच्छा जेहेतु से कार्यरत अच्छा सटडाउन समय आप जानते हैं निजर पर दूरे रही से किभली ड्यूटी थे आज सटडाउन रही से ड्यूटी अच्छा से किभली उणा हेबन कि भौणी राखी बांधि पारि ना से उणा किभली मन न रही से आसिक राखी बांधे निश्चित भाव प्रतिक्रिया ना मैडम अच्छा मैडम कौन कहे आज कौन भी चिंता कले कि जो मैंने कार्यरत पुलिस कर्मचारी अच्छा घर को जापारना से राखी बांधि हेबन से आज सटडाउन से भौणी मान पाख को न जापारी से मन दुख थी बट से यही मन दुख को हटेबापी आम मैंने से भौणी भाया होती हाथ राखी बांधिकी मन टे खुशी करने चाहते निरा प्रयास जेहेतु एम पर ना सका ड्यूटी पलि आम देख लु कि कर्मचारी जो मैंने समस्त कार हाथ में राखी नाला आपत तो आई प्रथम राखी बांधि किभ चिंता कले कि ना कार्यरत अच्छा आम जी राखी
आम चिंता कलु से मैंने यहाँ समस्त पर्व तो से भी खुशी अच्छी तो से आम मुहर खुशी फुटापी आटलिस्ट राखी गोटे छोट बांधिक कर्मचारी पुलिस कर्मचारी राखी बांधे ओमपी रे बहुत सारा ट्राफिक भाई मान को बांधु ये मधुपाटना पूरा कटक मानने चेष्टा करूँ बांधा को आग को प्रयास अच्छे बांधु आम प्रोग्राम एमती चलो आम साधारण देखु घर रही भाई भौणी राखी पाई था राखी बांधि था कि आपड़ गोटे निरा प्रयास कले कि जो मैंने आज ड्यूटी अच्छा से राखी बांधा ए चिंताधारा आसा जो बड़े कौन चिंता कले के खुशी लगे एम को राखी बांधला बहुत खुशी लगे आ निश्चित माधुरी जहाँ शुणुते कि से खुशी रही जेहेतु भाई भौणी संपर्क होती राखी पूर्णिमा बंधन पर्व से बे खुशी रही कि राखी बांधिक जो मैंने कार्यरत अच्छा जेहेतु पर दूर अच्छा से राखी बांधुंट आप जानते से जो सूचना दूसरे कि ओमपी छक जो ट्राफिक पुलिस कर्मचारी अच्छा लिंगगढ़ छक जो कर्मचारी अच्छा बादामबाड़ी विभिन्न स्थान में जो ट्राफिक कर्मचारी मैंने अच्छा ड्यूटी अच्छा से राखी बांधुंट माधुरी ओके जो निरा प्रयास ये गोटे कोटना कोटे स्वागतोग्य पदक्षेपारि पूर्व धन्यवाद कटक रिपोर्टर विश्वजित आम सहित जोड़े रही आज पवित्र राखी पूर्णिमा भाई भौणी संपर्क एक अनन्य पर्व भाई भौणी संपर्क प्रतीक हो रक्षाबंधन एथपाय बजार में बिक्री होली कि भली राखी तेज यार भितर चर्चा रही कोटपाड़ धानु प्रस्तुत राखी चर्चारे कोटपाड़ धानरु प्रस्तुत राखी आउ एहाकु प्रस्तुत करिसंती कोरापुट जिला कोटपाड़ विज्ञापित अंचल परिषदर 9 नंबर वार्डर आशा नायक धानकु नै कलाकार अनेक जिनिस तयारी करि परिबो ओ शिल्पर कला चातुरी द्वारा एथुरु भी प्रस्तुत होइ परिबो विभिन्न जिनिस जहाकु प्रमाण करि देखाइछंती आशा नायक धानरे विभिन्न प्रकार प्राकृतिक जिनिस व्यवहार करि से प्रस्तुत करिसंती राखी ए राखी अत्यंत आकर्षणीय होइतिबारु किनिया पई जमुची ग्राहकक भिड़ कटपाटे जो राखी तैयारी होची धान राखी ताकू आपण देखि पाथे बहुत सुंदर आउ डिजाइन सहित करा होची मार्केट रे जो राखी मिलची से सेम प्राइस रे कटपाटे धान राखी भी मिलची आउ एटा बहुत सेफ्टी रे बना होची मार्केट रे देखथबे 10 जन छौथबे सेडा सैनिटाइजर भी होउनै किंतु ए राखीटा पूरा फ्रेश रे बना होची आपण जेते ऑर्डर करले सेतिक बने कि दोचती आ सुंदर भी बहुत अछि मार्केट रे देखथबे आपण जो स्टोन राखी गुटे दिन पिंधि कि फिंगि दोथबे 5 मिनिट रे भी खराब छौ किंतु एटा बहुत भलो अछि धान प्रिय धान और प्राइस भी बहुत कम अच्छे जो राखीटा जोटा संपूर्ण रूपे प्राकृतिक भाव या जोटा कि इको फ्रेंडली आम कहीपर आखिर क्वालिटी भल अच्छे स्थानीय लोक द्वारा ही स्त्री लोक द्वारा ही बाहर भी राखी किणले भी आप पैसा ये प्रकार जिनस जेहेतु स्थानीय लोक द्वारा या आउ जो कोरोना महामारी जो भय रोच बाहर जिनस आसवाटा ये राखी किणले से प्रकार कि भय नहीं भाव इच्छा थिले उपाय आपे आपे आसे यार एक अनन्य उदाहरण होती आशा नायक से जड़े विधवा महिला अटंती निज स्वामी को हरैवापर आशा जीवन में उठी झड़ कुनि कुनि पिला निज पर भरण पोषण करने एक युद्धटू कम ना तथापि से दिन मजुरी भाव कम कर परिवार रो भरण पोषण करने को आग को आसिले किंतु एथिरु से जो टंका पाउथिले ताको परिवार चलिया पाई जथेष्ट नथिला तेणु आशा विकल्प चिंता करने को बाध्य होइथिले तांको परिवार रो कौलिक वृत्ति थिला धानरे देवादेवी मूर्ति तयारी करिबा सेई कौशल को प्रयोग करी धानरे किछि प्राकृतिक जिनिस मिसाई से प्रस्तुत कले राखी एही राखीर जथेष्ट चाहिदा बढ़िबारु से स्वावलंबी हेबा सह परिवार रो भरण पोषण करि पारुछंती आशा पालटिछंती अन्य महिलांक पई उदाहरण तांको परिवार वर्तमान सुधा 300 रु 400 राखी बिक्री करथिबा बेले प्रति राखीर मूल्य 30 रु 60 टंका मध्ये रहिछे आमे तो प्रथमे धानर मूर्ति तयार करथिलु ई वर्षे आमको जिला प्रशासन आमको सहयोग कसिवर मास द्वारा रे तांकर थु राखा आमे राखी प्रथम थर गोटे सप्ताह टीटे खटे करूँ और यहाँ 350 राखी कराई आर भी भल भी मार्केट कोरापुट अंचल आमर मेला भी लगी भल बेपार महिला मैंने घरे रही कुटीर शिल्प को अवलंबन कले आत्मनिर्भरशील होगा समाज में निज दक्षता
ଓ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କୋଟପାଡ଼ରୁ ଥବିର ସମର୍ଥଙ୍କ ସହ କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଜି ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ, ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜି ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦୁଇ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାଇବେ। ପାଟରା ବିଷୋଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ଓ ଗୁଆମାଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଂହାରୀ ସେବକମାନେ ଲାଗି କରାଇବାର ବିଧି ରହିଛି। ସେହିପରି ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୁଇ ପ୍ରହର ଭୋଗ ଉଠିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ କରାଯାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନକୁ ବିମାନରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରଣୀକୁ ନିଆଯିବ। ସେଠାରେ ମାଟିର ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବା ପରେ ଜାତକର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗହ୍ମାମଣ୍ଡା ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ। ସବୁ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।